और पब्लिक में अलाउड भी नहीं है कैमरा, तो हमें गेम पुलिस ने देख लिया तो पंगा हो जाएगा और ये बंदा पीछे गिरा बहुत जोर से। वेलकम बैक टू द चैनल। रात के बज चुके हैं 8 और आज है जुमे का दिन। आज का जो व्लॉग है वो शुरू करना था सुबह, साइकिलिंग का पूरा प्लान था यार। लास्ट व्लॉग में मैंने यही कहा था और ये बोरियत वाली बात हो गई है कि मैं हर बार यही कहता हूँ कि साइकिलिंग का प्लान था, लेकिन साइकिलिंग का प्लान हो गया मिस। रात को 2 बजे मैंने डिसाइड किया जुमे के फौरन बाद मैं निकल जाऊंगा साइकिलिंग पे। जब जुमे के फौरन बाद 2 बजे, तो 2 बजे मैं वापस घर आया। मैंने सोचा कि 3 बजे मैं जाऊंगा, 3 बजे मैंने सोचा कि मैं 4 बजे जाऊंगा, 3 बजे मैं बेड पे चला गया और मैंने सोचा थोड़ी देर सो लेता हूँ और फिर बस मैं ऐसा सोया कि वापस 5 बजे मेरी आंख खुली। तो लास्ट टाइम जो मैंने व्लॉग बनाया था वो शंग्रीला में बनाया था लास्ट फ्राइडे को, और उस फ्राइडे से लेकर अभी तक पूरा हफ्ता मैंने कैमरे को हाथ भी नहीं लगाया और ये पूरा हफ्ता मेरा बिल्कुल जाया गया यार, मैंने कुछ किया ही नहीं। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद मी। और अब मुझे लग रहा है कि जितना मैंने मतलब जितनी अच्छी वीडियोस बनाई हैं जनवरी में, जनवरी का जो महीना था मेरा वो बहुत ही जबरदस्त गुजरा यार, बहुत ही एक्टिव रहा हूँ मैं उसमें, वीडियोस भी काफी अच्छी बनाई हैं। लेकिन फरवरी जब से शुरू हुआ है, फरवरी में एक व्लॉग डाला है और बस कल रात को मैं गया तनवीर के पास, तनवीर से मिला और फिर थोड़ा मैं हो गया फ्रेश। तो तनवीर से मुझे मिला ये लेंस, इट्स 17-55 mm लेंस। ये मैंने सोचा था कि मैं व्लॉग के लिए यूज करूंगा, लेकिन व्लॉग के लिए यूज हो नहीं सकता क्योंकि जो इसकी मोटर है फोकस वाली वो काफी ज्यादा आवाज कर रही है, 10-18 mm की बिल्कुल आवाज नहीं है और ये इतना वाइड एंगल भी नहीं है, लेकिन ये फोटोग्राफी में हमारे बहुत काम आएगा और बहुत ही जबरदस्त वाले फोटोज इससे लिए जाएंगे। तो अभी कुछ नींद को खत्म करने के लिए यार थोड़ा सा एक्टिव होने के लिए हम जाएंगे जाके कुछ कॉफी वगैरह लेंगे क्योंकि कॉफी बहुत जरूरी है। एक तो भाई ठंड है, आज मैं पहली बार कॉफी पी रहा हूँ और ये बंदा आज पहली बार कॉफी पिएगा। वैसे चाय पीते हो तुम? हाँ पीता हूँ। यूनुस ने आना था लेकिन वो नहीं आ रहा। एट द एंड अगर आपको आपका दोस्त धोखा दे दे तो समझ जाओ कि वो आपका बेस्ट फ्रेंड ही है। ट्रैफिक तो बहुत ही ज्यादा है यहाँ पे, अभी हम फेस्टिवल से बहुत दूर हैं लेकिन फिर भी ट्रैफिक जाम हो चुकी है, तो अभी हमें पता नहीं कितना टाइम लगेगा यहाँ से फेस्टिवल तक पहुँचने तक। हमने गाड़ी अब ऑपोजिट साइड पे खड़ी की है क्योंकि इस साइड पे पार्किंग मिलना इम्पॉसिबल है और मैंने सुना था कि शायद सिर्फ फैमिलीज के लिए पार्किंग यहाँ पे अलाउड है। बड़ी स्पीड में हमने दौड़ के रोड क्रॉस किया बहुत टाइम बाद। हम यहाँ पे आए हुए थे मस्कत फेस्टिवल पे और यहाँ पे यार बहुत ज्यादा पब्लिक है, बहुत ज्यादा लोग आए हुए थे। यहाँ पे झूले वगैरह भी बहुत जबरदस्त लगे हुए थे और एक झूला था यार वो क्रेजी डांस, और क्रेजी डांस से मुझे कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो गई। स्कूल लाइफ में एक बार हमारा ट्रिप गया था सोहार, तो वहाँ पे मैंने क्रेजी डांस पे मैं बैठ गया था एक लड़की के चक्कर में उसको दिखाने के लिए कि यार आई कैन डू इट, और फिर बाद में एक हफ्ता मुझे समझ जाओ कि बस चक्कर ही आते रहे थे। यहाँ पे जिस बंदे ने वादा किया था जल्दी आने का वो लेट पहुंचा है, तो यूनुस भाई हमारे यहाँ पहुंचे हैं। तो ये बंदा लेट हो गया था, इसको थोड़ा काम था, जॉब पे था। और माही भाई ने आज हॉर्स राइडिंग की है, तो क्या फील कर रहे हो माही भाई आपको हॉर्स राइडिंग? फर्स्ट टाइम माही ने हॉर्स राइडिंग की और मैंने आज तक हॉर्स राइड नहीं किया यार। तो अभी यूनुस और सलमान दोनों चले गए घूमने फिरने के लिए और माही और मैं यहाँ पे सोच रहे हैं करें क्या। यहाँ पे हमें शेवर लाइट का एक स्टेज मिला है तो यहाँ पे हम वीडियो अच्छे से बना सकते हैं क्योंकि बाहर पब्लिक भी बहुत ज़्यादा है और पब्लिक में अलाउड भी नहीं है कैमरा, तो हमें कहीं पुलिस ने देख लिया तो पंगा हो जाएगा और ये बंदा पीछे गिरा बहुत जोर से। बस यार अच्छा लगा यहाँ पे आके यार। लास्ट टाइम हमने सीम गार्डन पहले आते थे बचपन में, तो बचपन की बहुत सी यादें हो गई हैं ताज़ा। बचपन में हम पेरेंट्स के साथ आते थे यहाँ पे, सीम गार्डन जगह का नाम है, गार्डन है ये और इसके अंदर लगता है ये फेस्टिवल हर साल। और ठंड भी काफी हो गई है तो इसलिए हमने हुडी भी पहन लिया है। और माही भाई हाउ इज योर हुडी? ना करे यार गर्मी लग रही है मुझे तो।
यहाँ पे ये कैमरा यूज नहीं करने दे रहे, बहुत ज्यादा टफ सिक्योरिटी की हुई है इन्होंने और पुलिस वाले भी बहुत ज्यादा घूम रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद देम, लेकिन ऐसे होना नहीं चाहिए यार। मतलब हम अगर वीडियो बना भी रहे हैं तो ओमान को ही प्रमोट कर रहे हैं, लोग देखेंगे, लोग देख के ही आएंगे, फिर भी यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है, तो आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग। तो यार देखते ही देखते रात के 12 बज गए और फेस्टिवल हो चुका है खत्म, बहुत ज्यादा पब्लिक थी यहाँ पे तो इस वजह से कैमरा भी अलाउड नहीं था। तो हमने फिर भी कोशिश की है पूरी वीडियो बनाने की आप लोगों के लिए यार। और ये जो पीछे दो बंदे बैठे हुए हैं, ये सलमान और यूनस है, तो ये अभी हलवा खा रहे हैं, ओमानी हलवा, लेकिन इतना मजेदार है नहीं, तो मैंने नहीं टेस्ट किया। तो अभी जाएंगे जाके कुछ खाना खाएंगे। खाने का इरादा तो कुछ और था, हमारा शोरमा खाना था, हमने टर्किश शोरमा जो कि बहुत ही जबरदस्त वाला मिलता है बरका से, लेकिन हम जब वहाँ पे पहुंचे तो पता चला कि शोरमा उनके पास खत्म हो चुका था, तो हमने चिकन टिक्का का ऑर्डर दिया और चिकन टिक्का भी नहीं मिला हमें आधा घंटा वेट करने के बाद। तो अभी रात के इस टाइम और कोई ऑप्शन हमारे पास था नहीं, तो स्पाइसी मैक चिकन से ही किया जाएगा गुजारा। मैकडोनल्ड में अपन की फेवरेट सिर्फ एक चीज है और वो है क्रंची चिकन, लेकिन अभी यूनस भाई ने दिया ट्रीट तो फिर उन्होंने मैक चिकन स्पाइसी मंगवाए, तो तीन हमने स्पाइसी मंगवाए थे और माही को स्पाइसी नहीं चाहिए था, तो माही के लिए सिर्फ नॉर्मल वाला मैक चिकन। तो गाड़ी में बैठ के खाना पड़ रहा है क्योंकि घर वाले वेट कर रहे हैं और घर वालों ने दिया वार्निंग कि 2 बजे से पहले पहले पहुंचना है घर वरना दरवाजा नहीं खुलेगा। इट्स 2:30 इन द नाइट, एक मिनट, रात के टाइम काफी ज्यादा ठंड हो जाती है यार, इट्स 16 सेल्सियस आउटसाइड और फील्स लाइक 10। तो बस अभी तो मुझे नींद आई है बहुत जोर की, तो अभी मैं सो जाऊंगा और इस व्लॉग की एडिटिंग करूंगा कल। तो बस आज के लिए इतना ही था यार, अगर आपको लगी है वीडियो अच्छी तो लाइक करो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब अगर न्यू हो तो। ओके, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।